हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि हमने कवर किया ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री पे कुछ क्वेश्चंस किए हमने। लास्ट क्लास में हमने देखा लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के जितने क्लासेस आपको बताए गए, ये इनमें से कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? तो वीडियो के लास्ट तक बने रहते रहिए, क्योंकि आगे जाते हुए कुछ टॉपिक्स आते रहेंगे जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये जितने कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट को अगर सीख लेते हैं, तो आपको फिजिक्स बहुत ईजी लगेगा, राइट? तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, इनके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज हम सीखेंगे आज की इस क्लास में, वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ये कोई इक्वेशन है ना, जिसके अंदर जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की, वो कितनी होनी चाहिए? टू। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज टू, राइट? जैसे कि इसका जनरल फॉर्म क्या लिखा जाता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। अगर ये टर्म जीरो हो गया, तो उस टाइम पे सिर्फ बी एक्स प्लस सी बचेगा। बी एक्स प्लस सी मतलब कौन सा इक्वेशन बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन, सही है? तो इसलिए यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, राइट? ए बी सी कैसे नंबर्स रहेंगे? रियल नंबर्स। अभी रियल नंबर क्या होते हैं, आगे हम बात करेंगे, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं है जी, ये एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? टू होगी। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जिन नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आए, है ना, जिन नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, वैसे वाले नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रियल नंबर्स। जैसे कि देखिए, वन का स्क्वायर वन देगा, यानी कि पॉजिटिव है। टू का स्क्वायर फोर देगा, पॉजिटिव है। माइनस फाइव का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, ये भी पॉजिटिव है। माइनस फोर का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, ये भी पॉजिटिव है, सही है? तो इसका मतलब ऐसे नंबर्स जिनको स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव नंबर। तो ऐसे वाले नंबर्स को हमने क्या नाम दिया है? रियल नंबर्स। कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद हमें आंसर नेगेटिव आता है, तो वैसे वाले नंबर्स को हमने क्या नाम दिया है? इमेजिनरी नंबर्स। कौन से नंबर कहेंगे इनको? इमेजिनरी नंबर्स। जिन नंबर का स्क्वायर कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव। अब ऐसे कौन से नंबर है? देखिए, माइनस रूट टू है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, अभी क्या बचेगा? माइनस टू। यहाँ पे देखिए, स्क्वायर करने के बाद आपको आंसर कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। आई होप ये समझ आया होगा। इमेजिनरी नंबर उन्हें कहा जाता है जिनका स्क्वायर कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। अब जैसे कि यहाँ पे माइनस रूट सिक्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट सिक्स इंटू आई। आई मतलब इमेजिनरी आयोटा। आई की वैल्यू होती है रूट माइनस वन के बराबर। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आप रूट सिक्स आई को स्क्वायर करते हैं, तो आपको आंसर क्या आएगा? माइनस सिक्स। वैसे ही आप रूट माइनस टू का स्क्वायर रूट अगर देखेंगे, तो ये क्या लिख सकते हैं आप? रूट टू इंटू आई, यानी कि इसके अंदर जो माइनस है वो एक्चुअल में आई बोल के लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स का फर्क पता चल गया होगा। हमारे जो फिजिक्स में जो भी सॉल्यूशंस आने होंगे, वो हमेशा रियल नंबर्स ही चाहिए। इमेजिनरी नंबर्स के लिए कोई जगह नहीं होती है फिजिक्स में। आई होप यहां तक समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स क्या होती है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, उसके अंदर कौन सी एक्स की वैल्यू रखने पे LHS और RHS सेटिस्फाई करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया है ना। हमने मान लिया कि इसके जो रूट्स आएंगे वो एक होगा एक्स वन, दूसरा होगा एक्स टू। जितना इसका पावर रहेगा उतने रूट्स आएंगे। जैसे कि आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा, तो वहां पे पावर वन होती थी और एक्स की वैल्यू सिर्फ एक ही आती थी। यहाँ पे पावर कितनी है? टू है, तो इसलिए एक्स के दो वैल्यूज आएंगे, एक्स वन और एक्स टू। एक्स का जनरल फार्मूला जो होता है रूट फाइंड करने के लिए, वो है माइनस बी प्लस आर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। आपने इसको 9th या 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा, राइट? अब यहाँ पे प्लस माइनस दो चीजें हैं। अगर प्लस रखेंगे तो एक आंसर आएगा, माइनस रखेंगे तो दूसरा आंसर आएगा। तो ये एक्स वन एक्स टू को हम क्या कहते हैं? रूट्स। किस चीज के रूट्स है ये? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स। अभी जो हमने एक्स वन एक्स टू फाइंड किया था, उनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप उन दोनों रूट्स को ऐड करेंगे, तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए? माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। बी क्या होता है? एक्स का कोएफिशिएंट। और सी क्या, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सही है? तो
तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर किसके बराबर आना चाहिए, माइनस बी बाई ए। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किसको, एक्स वन और एक्स टू को, तो आंसर किसके बराबर होना चाहिए, सी डिवाइडेड बाई ए, राइट। सम करेंगे तो माइनस बी बाई ए आएगा और प्रोडक्ट लेंगे तो सी बाई ए आएगा। ये सभी आपने पढ़ा हुआ है, मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हाँ, यहाँ पे एक और चीज आएगा, नेचर ऑफ रूट्स। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसके रूट्स रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे तो इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, ये डिसाइड किया जा सकता है एक चीज को देख के, वो चीज है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसको हम लिखेंगे डी, क्या बोल के लिखेंगे, डी। डी मतलब इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये डिसाइड करता है कि रूट्स पॉजिटिव होंगे, सॉरी रूट्स रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, सही है। अब देखिए, अगर डी की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू, डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, कैसी आती है, पॉजिटिव, तब हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो टर्म आएगा ये रियल आएगा। कैसे आएगा, रियल, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का अगर रूट लेते हैं तो आंसर भी पॉजिटिव ही आता है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर तब भी पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि इसके रूट कैसे होंगे, रियल होंगे। लेकिन ये दोनों रूट्स अनइक्वल होंगे, कैसे होंगे, अनइक्वल। ये कंडीशन नोट करिए, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव है तो रूट्स जो होंगे रियल और अनइक्वल होंगे। आई होप ये समझ आया होगा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी आती है तो उस टाइम हम मान लेंगे कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो दोनों अलग है और वो दोनों रियल है, क्लियर। नेक्स्ट, अगर ये डी की वैल्यू जीरो हो जाए यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो हो जाए तो उस टाइम पे जो रूट वाला टर्म था, अभी यहाँ पे पीछे देखा है आपने, ये वाला टर्म, अगर ये वाला टर्म जीरो हो गया तो तब बचेगा क्या, माइनस बी डिवाइडेड बाई टू ए, सही है। तो एक्स वन के लिए भी वही आंसर आएगा, एक्स टू के लिए भी वही आंसर आएगा, यानी कि रूट्स रियल होंगे और सेम होंगे, राइट। तो क्या बोला हमने, इफ डी इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे रहेंगे, रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। नेक्स्ट, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है यानी कि डी इज लेस देन जीरो, तब इसके जो भी रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी होंगे, फिजिक्स में ऐसे वाले रूट्स की कोई जगह नहीं होती है। तो आपको ये तीन कंडीशन अच्छे से याद रखनी है, कई जगहों पे क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो आपके रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे, अगर डी की वैल्यू जीरो होगी तब भी रूट्स रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे, अगर आपका डी नेगेटिव आता है तो उस टाइम में जो भी रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो आप इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जनरल फार्मूला देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, करेक्ट। देखिए, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो वन है, तो यहां से मैं लिख लूंगा ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस फाइव है, सी की वैल्यू सिक्स है, बराबर। तो मुझे चाहिए रूट्स, है ना, तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू, करेक्ट। अब सारे वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस फाइव, प्लस आर माइनस रूट माइनस फाइव का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ट्वेंटी फाइव माइनस फोर, ए कितना है वन और सी कितना है सिक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू वन, बराबर। तब अगर आप इसको देखेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस आर माइनस रूट ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई टू, क्लियर। तो यहां से आप देखिए, एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस आर माइनस अंदर क्या बचेगा वन, और रूट निकालेंगे तो तब भी आंसर क्या आएगा, वन डिवाइडेड बाई टू। तो यहां से x के दो आंसर आएंगे, कौन से है देखिए, वो x इज इक्वल टू फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, एक बार पॉजिटिव लेंगे, और x इक्वल टू फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, करेक्ट है। तो यहां से आप देखिए तो ये कितना हो रहा है, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स बाई टू थ्री, यानी कि इस इक्वेशन का एक आंसर क्या आएगा, थ्री आएगा। दूसरा आंसर देखिए, x इक्वल टू फाइव माइनस वन फोर डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू टू, यानी कि इस इक्वेशन के दो आंसर है, कौन से है, एक x इक्वल टू टू है, दूसरा आंसर x इक्वल टू थ्री है। उम्मीद करता हूँ कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है जो कि आप जानते हैं,
हम बस उसको रिवाइज करेंगे एक बार। क्या है देखिए, 1x² - 5x + 6, x² - 5x + 6 = 0 बराबर। फैक्टराइजेशन नाम की चीज सुनी है आपने, इस 5 को आपको ब्रेक करना है। क्या करना है आपको, ब्रेक करना है, जिससे कि मल्टीप्लाई करो तो सामने वाला नंबर आना है, राइट। तो यहां से मैंने इसको ब्रेक किया -2 - 3, इन दोनों को जोड़ दीजिए, -2 - 3 क्या आएगा -5, मल्टीप्लाई करिए -2 - -3 + 6 आएगा, है ना। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, x² - 2x - 3x + 6 = 0, करेक्ट। इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो ये होगा x - 2, यहां से -3 कॉमन निकालेंगे तो इधर बचेगा x - 2 = 0। अब यहां से आप x - 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x - 3 = 0। तो आप लिखेंगे कि x - 2 = 0 और x - 3 = 0। अगर ये -2 को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, x = 2 और x = 3। देखिए इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, कभी कभी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है तो उस टाइम में हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला जो है हमेशा काम करेगा, फैक्टराइजेशन कुछ सिचुएशन में काम करेगा, कहीं पे काम करना दिक्कत हो जाएगा, आएगा हर बार फैक्टराइजेशन में, मगर कुछ जगहों पे बहुत हार्ड पड़ जाता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा अवॉइड ही करेंगे, फॉर्मूले से ही चलेंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं। ax² + bx + c = 0, जनरल इक्वेशन। बताइए a की वैल्यू कितनी है 9, b की वैल्यू कितनी है -50, c की वैल्यू कितनी है 25, बराबर है। अब आपको फार्मूला लगाना है, x = -b + or - √b² - 4ac/2a, करेक्ट है। अभी आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, -b की वैल्यू कितनी, -50 + or - √-50 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2500, सही है। उसके बाद -4a की वैल्यू कितनी है 9 * c की वैल्यू कितनी है 25 / 2a की वैल्यू कितनी है 9, करेक्ट है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं, x = -(-) क्या हो जाएगा +50 + or - √2500 एज इट इज लिख देते हैं, -4 × 2500 100 × 9 करेंगे तो कितना आएगा 900 / 2 × 9 करेंगे तो कितना आएगा 18, करेक्ट है। अब बताइए ये कितना हो रहा है 50 + or - अगर 25 में से 9 निकाल देते तो कितना बचता है 16, तो यहां पे आएगा 1600 / 18, करेक्ट है। यहां से 50 + or - 16 का रूट आएगा 4, ये 00 का रूट आएगा 10 / 18 एज इट इज लिखे, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब इसको ऐसे लिखेंगे, x = 50 + 40 / 18, x = 50 - 40 / 18, देखिए करेक्ट लिखा है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये कितना होगा 50 + 40 = 90, तो x की वैल्यू हो गई 90 / 18, जिसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 5, बराबर। नेक्स्ट दूसरा आंसर क्या आएगा आपका, एक आंसर तो आ गया आपका x = 5, दूसरा आंसर देखिए x = 50 - 40 = 10 / 18, तो यहां से आप इसको काट देंगे तो आंसर क्या आएगा 5 / 4, तो दूसरा आंसर क्या है आपका 5/4। तो इसके दो आंसर है x = 5 और x = 5/4, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में हमें वही सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखिए जनरल इक्वेशन क्या लिखेंगे, ax² + bx + c = 0, बराबर। तो यहां पे a की वैल्यू कितनी है 7, b की वैल्यू कितनी है -32 और c की वैल्यू कितनी है 16, राइट।
अब इसको आप सॉल्व करिए, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ेंगे। तो सेम वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस बी प्लस आर माइनस होल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी वाला जो फॉर्मूला है उसी को यूज करके सॉल्व करिए इसको, राइट। सॉल्व करके इसका आंसर आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, राइट। चलिए आगे देखते हैं, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको एक सॉल्व करते हैं। तो ये भी आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, सेम टू सेम वैसे ही करना है, बस यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है वन, बी की वैल्यू कितनी है माइनस फोर, सी की वैल्यू कितनी है टू। सेम उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर पॉइंट में आएगा। किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये क्लास आपको समझ में आया होगा, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई डाउट रहता है, मतलब कहीं पे मैं जो समझाया आपके समझ में नहीं आया हो, तो उस टाइम पे आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक में दिक्कत रह गया, राइट। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाता है जो कि मैंने नहीं समझाया, तो मैं अगली वीडियो में उसको ऐड कर लूँगा, क्लियर। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे मिलते हैं।